सो वेलकम, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि आप स्कूल की फ़ीस कैसे बड़ी इजीली पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे कि मुझे सोशो कॉन्वेंट स्कूल की फ़ीस पे करनी है तो मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा। ये ऑप्शंस दे रहा है आपको, तो मैं इसमें से क्रोम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद एडमिशन नंबर, जो एडमिशन नंबर है आपके बच्चे की, वो हमें यहाँ डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और वैलिडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास ये पर्टिकुलर्स आ गए। यहाँ से मैं मंथ को सिलेक्ट करूँगा, किस मंथ से किस मंथ तक मुझे पे करनी है। तो सपोज़ मैं यहाँ पर अप्रैल सेलेक्ट कर देता हूँ, अप्रैल से लेके यहाँ पर ईयर 2 मंथ मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो फ़ी अमाउंट है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये फ़ी अमाउंट कैलकुलेट हो गया। यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर, मेरा जो मोबाइल नंबर है, मैं उसको टाइप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर को टाइप करने के बाद अब मैं वेरीफाई कोड, जो ये कोड नज़र आ रहा है, ये BIKOSI, इसको मैं टाइप करूँगा यहाँ पर। और उसके बाद मैं सबमिट पे चला जाऊँगा। ये सबमिट की ऑप्शन आ रही है। तो उसके बाद यहाँ से मैं चेक करूँगा ये जो डिटेल्स आ रही है, फ्रॉम मंथ अप्रैल टू मे फी अमाउंट 5064। ओके, तो मुझे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक कर देना। तो जैसा भी आपका कार्ड है, वीज़ा, मास्टर या रुपए, तो मैं यहाँ पर वीज़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास वीज़ा है। जिनके पास रुपए है वो रुपए सेलेक्ट कर लेंगे। इट विल टेक लिटिल टाइम। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पॉज कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर कार्ड नंबर आप डालेंगे, इधर यहाँ कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ कार्ड नेम, मैं कार्ड नेम आपको सेलेक्ट करके दिखा सकता हूँ, लाइक मेरे पास वीज़ा है। और ये जो मंथ ईयर, ये मंथ ईयर जो आपके कार्ड के नीचे दी होती है, वो मंथ और ईयर डालेंगे आप। वैलिड थ्रू में जितना भी मंथ और ईयर दिया होता है वो हम डालेंगे। और CVV आपके कार्ड के पीछे कोड दिया होता है, कार्ड के बैक साइड पे, तो वो डालेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना वीडियो पॉज कर देता हूँ, बिकॉज मुझे अपनी डिटेल्स डालनी है यहाँ पर। सब कुछ करने के बाद मैं सबमिट के ऑप्शन पे चला जाऊँगा। जब सबमिट के ऑप्शन के पास मैं क्लिक कर दूँगा तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो इनकी अपनी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, यहाँ पर एक OTP आएगा। तो मेरे पास OTP आ गया है, वहाँ बताएगा वो कितने पैसे कट रहे हैं, और उस OTP को यहाँ पर मुझे डालना है और मेक पेमेंट कर देनी है। तो मैं OTP अपना डाल देता हूँ। अब ये OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद ये पेमेंट स्लिप आ चुकी है और मेरे पास मैसेज भी आ गया। तो ये फीस पे हो चुकी है और यहाँ पर ये आ गया है स्टेटस सक्सेस, ये बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, ताकि कभी
ज़रूरत पड़ जाए प्रिंट करके शो करने की, तो हम डाउनलोड करके शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ देखो ये पेमेंट स्लिप आ गई आपके सामने। अब इस पेमेंट स्लिप को मैं अगर अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये जो आपको थ्री डॉट्स नज़र आ रही हैं, इस पे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको डाउनलोड की ऑप्शन नज़र आएगी, आप इस पे क्लिक कर दें, तो ये आ गया डाउनलोडेड सिप्ड 1.pdf। तो मतलब वो फाइल आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो गई। अब आपने जब वो फाइल डाउनलोड कर ली है फीस की, तो आप अपना फोल्डर माय फाइल्स फोल्डर खोलिए, उसमें माय डाउन, इसमें जो डाउनलोड्स की ऑप्शन होती है ये डाउनलोड की, यहाँ नज़र आ जाएगी। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखो ये रिसिप्ट मेरे पास, मैंने दो बार डाउनलोड कर ली थी तो यहाँ पर ये आ गई है। इसको बड़ा करके मैं चेक कर सकता हूँ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे फीस को पे कर सकते हैं और उसकी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप कहीं भी सेव कीजिए इसको, चाहे व्हाट्सएप पे किसी को भेजिए या अपने गूगल ड्राइव पे सेव कर दीजिए, कहीं भी कीजिए आप। थैंक यू।